हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोरसाइट एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ दीपशिखा। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। जिन्हें भी इन क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी पता है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर लिखें और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर टैली करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द सिस्टम ऑफ करेंसी नोट्स विच सिस्टम इज़ फॉलोड इन इंडिया। भारत में नोटों की प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली का पालन किया जाता है? ऑप्शंस हैं प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, आनुपातिक रिजर्व प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, मैक्सिमम रिजर्व सिस्टम, अधिकतम रिजर्व प्रणाली या फिर फिक्स्ड रिजर्व सिस्टम, स्थिर रिजर्व प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो इंडिया में जो करेंसी नोट्स को इशू करने के लिए सिस्टम यूज़ किया जाता है वो है हमारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसको यूज़ किया जा रहा है 1956 से, यानी कि 1956 में मिनिमम रिजर्व सिस्टम को लाया गया। इससे पहले जो सिस्टम यूज़ किया जा रहा था वो था प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम आखिर है क्या। तो इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर होता यह है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आरबीआई जो है वो सोल अथॉरिटी है इंडिया के अंदर, जो कि करेंसी को इशू करता है, नोट्स को इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। मतलब कि सिर्फ 1 रुपये का जो नोट या कोइन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा उसको इशू किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो 1 रुपये के नोट को या कॉइन को इशू करती है, और उसके अलावा जितनी भी करेंसी है वो आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है। तो जब करेंसी को इशू किया जाता है तो एक मिनिमम रिजर्व रखवाया जाता है। वो क्या होता है? वो होता है 200 करोड़ का एक मिनिमम रिजर्व। मतलब अगर गवर्नमेंट को नोट इशू करवाने हैं आरबीआई से, तो आरबीआई गवर्नमेंट से 200 करोड़ का जो अमाउंट है वो रखवाता है। वो और वो किस रूप में रखवाता है? होता यह है कि मिनिमम अमाउंट जो है या मिनिमम रिजर्व जो है 200 करोड़ का, उसमें से 115 करोड़ का सिर्फ गोल्ड होना चाहिए और जो 85 करोड़ बचता है वो होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज। तब जाके जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट को नोट इशू करता है। तो इसी सिस्टम को हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रेजेंट इन द सलाइवा। लार में निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम होता है? ऑप्शंस है एमुलाजे, लाइपेज, टाइलिन या फिर ट्रिप्सिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइट रेज दैट पास नियर द सन विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इट। दिस इफेक्ट इज नोन एज। सूर्य के नज़दीक से गुजरने वाली प्रकाशीय किरणें उसी ओर विक्षेपित होती हैं, इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? आइंस्टाइन इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, लॉरेंस इफेक्ट या फिर फिट्ज़गेराल्ड इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टाइन इफेक्ट। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड इज। डायमंड में कार्बन एटम की व्यवस्था कैसी होती है? ऑप्शंस है रेगुलर हेक्सागन, टेट्राहेड्रल, पेंटागन या फिर ऑक्टाहेड्रल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज लेडी रिप्रेजेंटेटिव इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी महिला दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की प्रतिनिधि थी? ऑप्शंस हैं सरोजिनी नायडू, लक्ष्मीबाई, एनी बेसेंट या फिर मुथु लक्ष्मी रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू।
तो यहाँ पर जब बात आई है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, तो जान लेते हैं कि कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और उनकी जो टाइमिंग थी वो कुछ इस तरीके से थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई थी नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो टाइमिंग थी वो थी सेप्टेम्बर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक। और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी टाइमिंग थी नवंबर 1932 से लेकर दिसंबर 1932 तक। तो यहाँ पर हमने जाना तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के टाइमिंग्स के बारे में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डबल जियोपार्डी इज़ रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोहरा खतरा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 21 क्लॉज 1, आर्टिकल 32 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 या फिर आर्टिकल 226 क्लॉज 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 20 क्लॉज 2। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 20 क्लॉज 2 बात करता है डबल जियोपार्डी की। तो डबल जियोपार्डी का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर किसी इंसान ने एक ऑफेंस किया है, एक अपराध किया है, तो उस एक अपराध के लिए उसे एक ही बार सज़ा मिलेगी, दो बार या दो से ज़्यादा बार उसको सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो ये होता है डबल जियोपार्डी का मतलब। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ न्यू अप्रोच टू कंजर्वेशन इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। किसका स्थापन संरक्षण में एक नया दृष्टिकोण है? ऑप्शंस हैं सेंचुरीज, बायोस्फेयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स या फिर रिजर्व फॉरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बायोस्फेयर रिजर्व्स। तो मूव करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंथक वॉज द नेम ऑफ। कंथक किसका नाम था? ऑप्शंस हैं बुद्धास चैरिटियर, बुद्धा के सारथी का, बुद्धास हॉर्स, बुद्ध के घोड़े का। अ सेज हु टॉट बुद्धा अबाउट मेडिटेशन, एक ऋषि जो बुद्ध को ध्यान के विषय में पढ़ाते थे, या फिर वन ऑफ द फेवरेट डिसिपल ऑफ बुद्धा, बुद्ध के पवित्र शिष्यों में से एक का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धास हॉर्स। जो कंथक नाम था वो नाम था बुद्धा के हॉर्स यानी कि बुद्ध के घोड़े का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वी डी सावरकर, हरदयाल एंड मदन लाल धींगरा। निम्न व्यक्तित्वों के बारे में विशेष क्या है? वी डी सावरकर, हरदयाल और मदन लाल धींगरा। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं कांग्रेस मेंबर्स, कांग्रेस के सदस्य थे, मेंबर्स ऑफ द इंडिया हाउस, भारत हाउस के सदस्य थे, पार्टिसिपेटेड इन खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन के प्रतिभागी थे, या फिर सोशल रिफॉर्मिस्ट, सामाजिक सुधारवादी थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंबर्स ऑफ द इंडिया हाउस। ये जो वी डी सावरकर, हरदयाल और मदन लाल धींगरा थे, इनके बारे में एक विशेष बात ये थी कि ये सभी मेंबर्स थे इंडिया हाउस के। अब ये इंडिया हाउस क्या था? ये इंडिया हाउस था लंदन में। थोड़ा सा जान लेते हैं इंडिया हाउस के बारे में। इंडिया हाउस का जो एस्टैब्लिशमेंट था वो किया गया था, एक लॉयर थे वहाँ पर, इंडियन लॉयर थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। याद रखिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा एक लॉयर थे जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, इंडिया हाउस का एस्टैब्लिश किया था। अब ये जो इंडिया हाउस था ये इसका प्रॉपर पता क्या था? ये था 65 कॉर्नवेल एवेन्यू, हाईगेट, लंदन। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी कि जो इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं लंदन में पढ़ने के लिए तो उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता था ये इंडिया हाउस। और एक टाइम पर यह भी हुआ कि जब कुछ मतभेद आने लगे सामने तो जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर लंदन में रह रहे थे उन्हें रहने की परेशानी हो रही थी, तो उसे एक हॉस्टल में भी कन्वर्ट किया गया, यानी कि वो छात्रों को एक छात्रावास के रूप में भी प्रोवाइड किया गया। तो ये था इंडिया हाउस के बारे में। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
Which of the following mountains of North America has been renamed as Denali? निम्न में से उत्तर अमेरिका के कौन से पर्वत का देनाली नाम से पूर्ण नामांकन किया गया है? ऑप्शंस हैं माउंट एल्बर्ट, माउंट मिशेल, माउंट मैकिनले या फिर माउंट विटनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माउंट मैकिनले। यहाँ पर हम ये जो देनाली नाम हमें दिया गया है, माउंटेन्स हैं ये नॉर्थ अमेरिका में, इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात जान लेते हैं। ये जो देनाली है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है नॉर्थ अमेरिका की, याद रखिएगा ये देनाली जो है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है नॉर्थ अमेरिका की। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेटिस्टिकल इंडिकेटर ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज आय के न्याय संगत वितरण का सांख्यिकी संकेतक है। ऑप्शंस हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, गिनी कोफिशियंट, गिनी गुणांक, लॉरेंस कर्व या फिर फिलिप्स कर्व। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गिनी कोफिशियंट। ये जो गिनी कोफिशियंट है इसे गिनी इंडेक्स भी कहा जाता है। तो ये गिनी कोफिशियंट जो है इसको पब्लिश किसने किया था? इसे पब्लिश किया था एक इटालियन स्टेटिस्टिशियन ने जिनका नाम था कोरेडो गिनी, इन्हीं के नाम पर गिनी कोफिशियंट का नाम दिया गया। अब ये गिनी कोफिशियंट है क्या? ये एक तरीके का मेथड है। इस मेथड को यूज़ करके इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी कि आर्थिक समानता का पता लगाया जाता है। जैसे कि किसी एक इंसान की इनकम बहुत ज़्यादा है और दूसरे इंसान की इनकम बहुत कम है, तो उन दोनों की इनकम के बीच का जो डिफरेंस है वो गिनी कोफिशिएंट के द्वारा पता किया जाता है। या फिर किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है और दूसरे इंसान जो है उसके पास कम वेल्थ है, तो उन दोनों के वेल्थ के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वो गिनी कोफिशिएंट से पता किया जाएगा। तो मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ The Liquid Propulsion System Center of the Indian Space Research Organization is at भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र कहाँ हैं? ऑप्शंस हैं महेंद्रगिरी तमिलनाडु, बैंगलोर कर्नाटका, हैदराबाद आंध्र प्रदेश या फिर अहमदाबाद गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, महेंद्रगिरी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट एंड टेलीविजन सर्विसेज। निम्नलिखित फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट और टेलीविजन सेवाओं में से विषम खोजें। ऑप्शंस हैं गूगल फाइबर, वर्जन फ्योज, गूगल प्लेक्स या फिर गूगल ग्लास। तो इसमें से आपको एक ओड वन आउट करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बार्क हैज़ डिवेलप्ड अ नेक्स्ट जनरेशन बुलेट प्रूफ जैकेट फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, व्हाट इज इट्स नेम? बार्क ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए नई पीढ़ी की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, इसका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं सुरक्षा कवच, सेना कवच, भारत कवच या फिर भावा कवच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भावा कवच। तो ये जो बार्क है इसने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक नए तरीके की यानी कि नई पीढ़ी की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की जिसका नाम है भावा कवच। तो सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ बार्क की क्या फुल फॉर्म आएगी। बार्क का मतलब होगा यानी कि बार्क की जो फुल फॉर्म है वो है हमारी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा एक नई पीढ़ी की बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया गया जिसका नाम भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम पर ही रखा गया और वो नाम है भाभा कवच। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ऑप्शंस हैं आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनको आपको मिलाना है ग्लाइसरोल,
अमीनो एसिड और ग्लूकोज से। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का जो हम मैच करेंगे यानी कि प्रोटीन का मैच करेंगे हम अमीनो एसिड से, सेकंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है उनका मैच करेंगे हम ग्लूकोज से, और थर्ड यानी कि फैट जो है उसका हम मैच करेंगे ग्लाइसरोल से। मूव करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु कॉइंड द टर्म पेट्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल? कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जेई पुरकिंजे या फिर एम स्लीडन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जेई पुरकिंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू डैश, द्रव्यमान संख्या हमेशा डैश के बराबर होती है। ऑप्शंस हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या के बराबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट डैश देन रेडियस ऑफ द एटम। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से लगभग डैश होती है। ऑप्शंस हैं 10^5 टाइम्स ग्रेटर, 10^5 टाइम्स लेसर, 10^9 टाइम्स ग्रेटर या फिर 10^7 टाइम्स ग्रेटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 10^5 टाइम्स लेसर यानी कि 10^5 गुना छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट हुज मास इज डबल दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ इज डैश। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से दुगना तथा जिसकी त्रिज्या पृथ्वी के बराबर हो पर गुरुत्वीय त्वरण डैश होगा। ऑप्शन है 2g, g, g/2 या फिर 4g। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2g। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इन द प्रीमियर ट्रेड बॉडी एंड द चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ द ITBPO इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में ITBPO उद्योग का चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डैश प्रमुख व्यापार निकाय। ऑप्शंस हैं आपके NIC, NASSCOM, डिपार्टमेंट ऑफ इंडोरमेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, NASSCOM। तो थोड़ा सा NASSCOM की फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। तो NASSCOM की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, NASSCOM की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। और ये जो NASSCOM है इसका एस्टेब्लिशमेंट अगर पूछा जाए तो एस्टेब्लिश हुआ था NASSCOM 1988 में। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।